आपके खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है नंद जो अपने केरला की है, उसमें क्या सच्चाई क्या है? कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठा इल्जाम है। तो सर क्यों लगाया गया ये आरोप? उसका कारण मैंने भी नहीं पता क्यों इस तरह का एक गंभीर आरोप मेरे ते लगाए। सिर्फ मैं ये कह सकता कि 2016 नवंबर दे विच उन्होंने कॉन्ग्रीगेशन द मदर जनरल जो है उसने एक कंप्लेंट मिलिया सी, उस दे उते उन्होंने एक कार्रवाई करने की जरूरत सीगा। तो उन्होंने मेरे को आके मैंने पूछा कि असी की करिए, तो मैंने बोला प्रोसीजर फॉलो करना है, जेकर इसी तरह का कोई रिटर्न कंप्लेंट मिल गया है तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो चल रही है। तो सर अगर बात की जाए वहाँ जो भी इंक्वायरी हुई है उसमें क्वेश्चनिंग भी हुई है और नंस को भी यहाँ क्वेश्चन किया गया है, पादरीज को भी किया गया है, तो उसमें स्पेसिफिकली कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? जिसका तो उन्होंने की सवाल पूछा गया उसके बारे में पता नहीं है। तो सर अगर बात की जाए केरला पुलिस की, तो अभी वो बोले कि हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके लेके गए हैं वो आगे जाके कार्रवाई रहेगी, तो क्या क्रॉस वहाँ पे नंस को किया गया, पूछा गया? तो वो सारा केरला दे विच जेड़ा भी एविडेंस कलेक्ट करने की प्रोसीजर सीगा वो सारा खत्म करके वो दिल्ली आए, दिल्ली तो फिर इतने आए, इतों भी सारा कुछ कार्रवाई करने के बाद वापस चले गए हैं। सर थोड़े पे आरोप लगे हैं जो 14 बार बलात्कार थे या यौन शोषण दे या प्रतिक यौन शोषण दे, उधे बीच की थोड़े कैनन ला फॉलो की तरह से लेडी जो नन है थोड़े को कल्ली आंदी सी या डबल पेयर चांदी सी? मेरे को हर वक्त दो दो करके आए और साडा भी फर्ज बनता है कि सारिया नु दसना कि जो भी कलीसिया का कानून है उसके मुताबिक चलना, तो जिस दे मुताबिक उन्होंने कानून जो डायरेक्टिव्स जो किताब है उस दे विच भी लिखा है कि जो हस्पताल जाना, किसी घर जाना, चर्च जाना, कोई दफ्तर जाना या जिते फादर लोग रहते उत्थे जाना, हर हमेशा उत्थे दो दो करके जाना है, वो उन्होंने कानून है।